हेलो एवरीवन, खम्मा गनी। आज है रविवार और क्या कहते हैं दशम माता और है ना गणगौर पूजने का सिक्स दिन है और रविवार है। तो आज हमारे बिंदी के सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन करेंगे। तो सब लोग आए हुए हैं, पहले हम पूजेंगे। हाँ, गणगौर पूजन करेंगे ना। टाइम हो गया है। आज मेरे चिंटू कैसा लग रहा है? आज चिंटू नहीं हाँ, आज चिंटू तो साकिया बना हुआ है। हाँ बा कृष्णा, बड़ी मम्मी आ गए। हमारा चटनी खाने की तैयारी। पीछे पूरी का प्रोग्राम बन रहा है। हलवा इधर हमारे रोड तैयार हो चुके हैं। सूरज रोड तो बोलते हैं। आठ जने हम लोग, आठ रोड बनाए गए। ये पुड़िया बना रहे। ये उजमणम ब्राह्मण के सीख, ये ब्राह्मण जी के और ये सखिया के, और इधर बन रही है पुड़िया। और मैं निकाल रही हूँ पूरी। इधर बन चुका है सूजी का हलवा, जिसकी अभी यहाँ से कट कर देंगे। आलू और गोभी की सब्जी और ये पूड़ियाँ। अभी हम करेंगे सूर्य भगवान की पूजा। जो हमने रोट बनाए हैं उससे पूजा करेंगे। अभी थोड़ी पूड़ियाँ निकल जाए फिर जाएंगे ऊपर। अभी टाइम हो रहा है 1 सेकेंड, हाँ 1:30 बज रहे हैं। और सीख में देंगे ये ग्लास स्टील की, उसमें टिक्के का पत्ता। सभी जने ऊपर जा रहे हैं सूरज देखने। इनको जरा फोकस करिए, इन्होंने हमारे बारे से बोल रहे जैसे बक्सन उसको देखो, उसको तो पूरी भूतनी बना दिए। तो गाइस हम चलते छत पे। तावड़ो पड़ रही हो, तावड़ो लो मार दो वही लगातार बैठे लो मुन्नी से लगा। यहाँ ट्रोट है और सूरज भगवान के भूख लगा है। बैठ लो, बैठे नीचे। टूटियो सूरज भगवान टूटे टूटे जैसे दिखिया। हाँ कहे सूरज भगवान दिखिया दिखिया अचानक क्या हुआ? क्यों सूरज भगवान टूटिया ऐसे हम बोलते? हाँ ऐसे बोलते हैं, सूरज भगवान दिखे। हाँ के दिखे नहीं, अपन मारवाड़ी में क्या बोले? सूरज भगवान दिखिया दिखिया, हाँ दिखिया दिखिया जेड़े ही टूटिया। आगे एक जड़ा बैठ रहा हूँ उकारो देवे ना। सूरज भगवान को देखो ऐसे सात बार पहले घुमाओ रोटी को आप बोल दो। इसमें से है ना, और इस रोटी में से है ना, मतलब ये रोट में से है ना, एक भी ग्रास है ना झूठा नहीं छोड़ना है कुछ भी चीज। हाँ सब डाल देंगे नीचे जाओगे तो घी डाल के सात बार कर। बहुत तेज सूरज नारायण दिख रहे हैं, भगवान जी बहुत तेज। बहुत तेज धूप है, हम सब लोग ऊपर खड़े हैं सूरज भगवान की पूजा कर। ये सब अपना अपना रोड लेके बैठी है। अब है ना किसी को भी झूठा नहीं छोड़ना है, ठीक है? सब अपना अपना पूरा जिमना। तो कई कौन तुम वणी जी दी होती टीम हो गई सात बार ऊपर थी। हां सात बार फेरो पहली रोइन।
सूरज भगवान दिखा दिखा सही टूटिया गण लीजो ना छोड़ो करा दो लास्ट में तेज की दो चलो ये मेरी भी पूजा हो गई मेरा रोट और अब खोलेंगे वर्त मम्मी से साग भर रहा है चिंटू की मुझे थोड़ा मातो पीछे एक मिनट साकिया साग भरूं कहाँ के हाँ कितनी बार बोला है दो चार बार तो बोला है ओके अब देव इन समझ हो गया फिर आशीर्वाद देना अरे इतना क्या नीचे ये ले दिया नहीं मेरे दो दो हम बोलूं तो मेरे दो कुछ रो मासिक मासिक शीतला माता के कल सप्तमी का पूजन करेंगे इस वजह से हमारे मारवाड़ में जो सबसे प्रसिद्ध सब्जी बनाई जाती है ठंडा जब जीमते हैं तो ये है पचकूटे की सब्जी इसको केर कुंटिया सांगरी की सब्जी भी बोली जाती है ये सारे कुछ चीज़ें सूखी हुई होती है पचकूटा की सब्जी बोला जाता है जिसको मैं भिगो रही हूँ पानी में 2 से 4 घंटे भिगोगी उसके बाद ये सब्जी बनती है ये सूखी सब्जियाँ जिसमें ये सूखी हुई लाल मिर्च ये आम के टुकड़े अमचूर और ये जो है इसको कुमटिया बोला जाता है अब ये किस पेड़ पे लगते हैं वो तो मेरे को नहीं पता और ये सांगरियाँ हैं सूखी हुई सांगरी और इस चीज़ को भी क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा नहीं पता है बाकी सब्जी को इस सब्जी को केर कुमटे की सब्जी बोलते हैं हम तो जब से बचपन से देखते आ रहे हैं हमारे जोधपुर में ये सब्जी शीतला सप्तमी के दिन ज़रूर बनती है तो अभी आज हम लोग बना रहे हैं ठंडा खाना खाना बनाएंगे मतलब आज इसको जिमेंगे नहीं कल सुबह तो कल है बासी वड़ा उसकी तैयारी कर रहे हैं कल है शीतला सप्तमी तो अभी यहाँ पे मम्मा पूजा की थाली तो रेडी हो गई है और यहाँ पे अभी बना रहे हैं मीठा पूजा के जो सामान आते हैं पथौरी माता के उस शीतला माता के ये फ्रेंच फ्राइज जैसे इधर माता जी के जो ढोकले बनाते हैं ना वो बन रहे ढोकले ढोकले शीतला माता के ढोकले वाली कहानी भी कहते हैं ये इस तरीके से देखिए ये मीठे गुड़ के जो पानी होता है ना गुड़ का उसके आना गेहूं का आटा गूंदा हुआ है इस तरीके से ढोकले बनाए हैं साथ दो तो ऐसे है एक 5 मुंह वाला है एक 7 मुंह वाला स्टार की तरह रहता है शीतला माता के 1 7 वाला है एक पथौरी माता का हो गया 5 वाला ये ढोकले वगैरह मीठे ढोकले की मतलब ये पूजा के सामान है आइटम है जो तैयार होते हैं और ये मैंने बनाए हैं सम ये ना नो पूड़ी है और ये फल वगैरह जो चढ़ते हैं ना ये पथौरी माता के 5 फल और शीतला माता के ये 7 फल ऐसे करके ये मतलब मीठे आटे के गुड़ के पानी जो गुड़ का जो पानी होता है ना उसके गेहूँ का आटा गूंद के इस तरीके से फल वगैरह जो माता जी की पूजा की थाली में तैयार होते हैं वो और अब 2 बनाएंगे आटे के दिए जो 1 पथौरी माता के और 1 शीतला माता के कल पथौरी भी पूजन होगा और शीतला माता जी का पूजन तो है ही वैसे कल ठंडा भोजन ही जीमते इस वजह से 1 दिन पहले ही ये खाना तैयार करके रखते हैं तो गाइस अभी मेरा भाई भर रहा है
इतनी पूड़ियां बनाई आज तो मैंने, नींद आने लग गई। मेरी फ्रेंड को तो बुखार आ गई। कौन सी फ्रेंड? मोनिका को। अच्छा क्यों? उसकी बहन के साथ उसने खाना खाया ना, उसको बुखार था। बुखार बुखार से खाना खाने से बुखार आ जाती है, थोड़ी होता है। मुझे भी होने है गाइस, कल मैं भी तैयार होकर ना आऊंगा। देखो आपको मेरा कान्हू भी कह रहा है, मैं भी तैयार होकर ना आऊंगा। और ये सभी भगवान जी हमारे। हेलो, कैसी लग रही हूँ मैं? पागल लग रही हूँ। अलमारी खोलते हैं। ये मेरी मम्मी के सूट्स हैं, ये नीचे मेरे कपड़े पड़े हैं। अरे ऊपर किसने रखने को बोला था? ये क्या हो रहा है दोस्तों? आप भी भोजन जी।